आप दाल पूड़ी भी कहते हैं, बेढ़नी भी कहते हैं। देखिए हमने ये चने को 7 से 8 घंटे भिगा के रख दिया था, चने की दाल है। अब इसको हम अच्छे से धुल के साफ कर लेंगे। हमने अभी दाल को अच्छे से धुल के साफ कर लिया है। इधर हमने कुकर रख दिया, इसमें थोड़ा सा पानी है, गर्म हो रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे, हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं सीटी लगाना है, सिर्फ हम 1 सीटी लगाएंगे स्लो गैस पे। हमने इसको छन्नी में रख दिया है, देखिए सारा पानी नीचे चला गया, अब ये सूखा हो गया है। अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। अभी हमने इधर कढ़ाई रख दिया है, इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिए हैं, तेल गरम होने देंगे। अभी तेल गरम हो गया, हम इसमें जीरा डालेंगे। इसमें हरी मिर्ची और लहसुन डाल देंगे। अभी हमने लहसुन हरी मिर्ची को डाल दिया है, इसको थोड़ा अच्छे से भूनेंगे। अभी तड़का हो गया, इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा से धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। अब इसको हम थोड़ा से भून लेंगे। अभी हमने भून लिया, इसमें हम ये जो दाल लिए थे इसको डाल देंगे। इसको हमें अच्छे से भूनना है उबालने के बाद, तभी टेस्टी बनती है पूरी इसकी। 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब हम सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। हमने दाल को प्लेट में निकाल दिया है, अब इसको हम ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा तब तक हम इसका आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। हमने इधर गेहूं का आटा लिया है, इसमें हम नमक डालेंगे थोड़ा से, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला है। हम आटे को अच्छे से खस्ता करने के लिए इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, 2 से 3 चम्मच। हमने हाथ में अजवाइन ले ली है, इसको अच्छे से थोड़ा ऐसे मसल देंगे। मसलस क्या है, इसमें बहुत अच्छी महक आती है, इसको डाल देंगे। अब हम आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। आटा लगा के सेट कर दिया है, अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अभी हमने इधर आटा ले लिया है, आटा सेट हो गया है अच्छे से। अभी हम इसको छोटा छोटा लोई बना लेंगे ऐसे। अभी हमने एक लोई ले ली है और सारी इधर कट करके रख दिया है। अब इसको हम थोड़ा से बेल लेंगे, ज्यादा नहीं बेलना है हमें, क्योंकि हमने ये जो दाल का पेस्ट बनाया है इसको डालेंगे। बस थोड़ा से बेल लेंगे ऐसे, चम्मच की सहायता से हम इसमें लगभग 2 चम्मच डालेंगे। इसको हम हाथ से ऐसे फोल्ड कर देंगे, दबा देंगे अंदर और इसको फोल्ड करेंगे। ऊपर का हम निकाल देंगे इसको, फिर गोल कर देंगे हाथ से। अब इसको हम बेलेंगे। ऐसे हम सारा बेल बेल के एक प्लेट में रखते जाएंगे, 2-3 बेल लेंगे अच्छे से। अभी हमने इधर कढ़ाई में तेल डाल दिया है, गरम हो गया है, इसमें हम पूरी डालेंगे। हमें तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं रखना है, नहीं तो तुरंत ये पूरी पक जाएगी और फूलेगी नहीं अच्छे से। अभी हम दोबारा भी ऐसे बना के निकाल लेंगे सारी पूरी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत प्यारा आया है। अभी हमने चने की पूरी बना के तैयार कर दी है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, पूरी है। आप लोग को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।